नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं इंदौरा चौक में हूँ और इंदौरा चौक में आप ये देख सकते हैं, ये नज़ारा है। ये बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 6 तारीख को यानी आज मोर्चा निकाला जाने वाला था बेजन बाग से आरएसएस भवन तक। ये देखिए, यहाँ पे पूरे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये कितना पुलिस है यहाँ पे और पब्लिक भी दिखाई दे रही है। ये बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से ये ऐलान किया गया था कि 6 अक्टूबर को बेजन बाग से आरएसएस भवन तक के संविधान बचाने हेतु ये बहुजन क्रांति मुक्ति मोर्चा की ओर से ये मोर्चा निकाला जाने वाला है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ तनाव का माहौल है। ये इंदौरा चौक है, ऐतिहासिक चौक है। जो क्रांति घड़ती है ये यहीं से घड़ती है। ये ऐतिहासिक चौक है और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देश पूरे यानी कल 5 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हुआ और आज 6 अक्टूबर है। आज 6 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मुक्ति मोर्चा की ओर से वामन मेश्राम जो है उनके नेतृत्व में आज ये मोर्चा बेजन बाग से आरएसएस भवन तक के निकाला जा रहा है। देखिए, ये इंदौरा चौक है और इंदौरा चौक में किस प्रकार से ये अम्बेडकरी अनुयायी दिखाई दे रहे हैं। ये दूर दूर से आई हुए ये अम्बेडकरी अनुयायी है या भंते जी दिखाई दे रही है इस मोर्चा में, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, भंते जी भी दिखाई दे रहे हैं और ये पुलिस एसआरपी सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ लगे हैं। इनके सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का अनुचित प्रकार ना घड़े, इसलिए ये पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। ये इंदौरा चौक का नज़ारा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर हाईकोर्ट के द्वारा बहुजन क्रांति मुक्ति मोर्चा को 6 अक्टूबर को मोर्चा निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी और सभा करने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद वामन मेश्राम जी इनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया। उन्होंने ऐलान किया था कि हमें अगर अनुमति पुलिस द्वारा नहीं भी मिलेगी तो भी हम ये मोर्चा निकालेंगे। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इंदौरा चौक में किस प्रकार से तनाव का माहौल है। संविधान बचाओ इस विषय को लेकर ये मोर्चा निकाला गया है। संविधान बचाओ इस विषय को लेकर ये मोर्चा निकाला जाने वाला है। ये बेजन बाग से आरएसएस भवन तक के ये मोर्चा निकाला जाने वाला था, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त, तगड़ा बंदोबस्त सुबह से ही इस परिसर में बेजन बाग, इंदौरा चौक, भीम चौक, ऐसी पूरी जगह इसी प्रकार का पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। और मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए, अभी डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए किस प्रकार से ये साना ट्रैवल्स का है और ये पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। तनाव का माहौल है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओबीसी हमारे भाई है, ऐसी फलक भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इंदौरा चौक का ये नज़ारा है, बहुजन मुक्ति मोर्चा की ओर से ये यहाँ पे इंदौरा चौक पे आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलनकारियों का इतना ही कहना है कि हमें आरएसएस के मुख्यालय पर जाने दे, ये मांग को लेकर ये मांग इस आंदोलनकारियों की है, मैं आपको बताऊंगा। और संविधान बचाने हेतु ये बहुजन क्रांति मुक्ति मोर्चा की ओर से बेजन बाग से आरएसएस मुख्यालय तक ये मोर्चा निकाला जाने वाला था, लेकिन न्याय व्यवस्था की ओर से इन्हें अनुमति नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज़, डब्ल्यूएच न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।